देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ वक्त बचा है, लेकिन पार्टियां अभी से ही तैयारियों में लग गई हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के अंदर ही जो है स्विफ्ट टॉवल शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद, और अजय निषाद को वहीं के पार्टी के बड़े नेता ने खुलेआम चैलेंज कर दिया है। कहा है कि वो किसी काम के नहीं है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए कुछ किया नहीं है। ऐसे में इस बार जनता की मांग पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। एक तरफ महागठबंधन में टिकटों की सीटों की मांग को लेकर के सिर्फ टवल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खुद के लिए सीटें मांग रही है, तो कांग्रेस अपने लिए 10 से कम पे खुद को राजी नहीं होने की बात कर रही है। आरजेडी और जदयू कितने पे लड़ेगी ये तय नहीं है। लेकिन अब बीजेपी में भी कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है जिसके पास फिलहाल कहने के लिए ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि 40 सीटों में बीजेपी इकलौती फिलहाल साझेदार जो है पार्टी के अंदर में, यानी कि उसके पास सीटें ज़्यादा हैं और उस हिसाब से वो ज़्यादा प्रत्याशियों को अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर के बड़े नेता ने एक तरीके से कहें कि अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के बड़े नेता देवी लाल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर अपने बयान से खलबली मचा दी। उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के सांसद अजय निषाद जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, सांसद अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहे हैं। जब मोदी जी 2014 के आम चुनाव में मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता से वायदा किया था, मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा एवं एम्स होगा, इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में बनने वाला हवाई अड्डा और एम्स दूसरे जिले में चले गए और इसमें सांसद की कोताही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का भी हालत बद से बदतर है। जब से वर्तमान सांसद बने हैं जो भी ट्रेन मुजफ्फरपुर में खुलती थी वह अभी दूसरे ज़िले में चली गई है। अब मुजफ्फरपुर से एक दो की संख्या में ही ट्रेनें खुलती हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अजय निषाद पर हमला बोला और कहा कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ठीक है, नहीं तो वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर की जनता से किया गया जो वादा है वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो बीजेपी के बड़े नेता हैं देवी लाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के अंदर सिर्फ टवल हो गया है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं विगत 5 सालों से। 2014 में भी मैंने हर हर मोदी और घर घर मोदी, जब उस समय आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और 2013 नवंबर में ही मैंने पूरे शहर को पाट दिया था हर हर मोदी और घर घर मोदी के बैनर पोस्टर से, आप लोग को मालूम होगा। और यहाँ से जो गुंजमान हुआ पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूरे हिंदुस्तान से लेके विश्व स्तर पर उनके प्रशंसक, चुनाव थाने हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कार्यकर्ता को अधिकार है, और आप देख रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर का दुर्दशा है, दुर्गति है ना, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा एम्स, प्रधानमंत्री जी की घोषणा स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री जी की घोषणा हवाई अड्डा, घोषणा करके गए, तो उनका जनप्रतिनिधि यहाँ का सांसद होता है ना। जितने भी आज पुल पुलिया बन रहे हैं, जितने भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से जो चला करता था वह सब ट्रेन को उठाकर दूसरे जिला में कर दिया गया। आज अखाड़ा घाट के समानांतर पुल आप देख रहे हैं, चंदवारा घाट पर बना है ना, आज 2 साल से वो अधैर अवस्था में है। लेकिन एक सांसद, अगर सांसद मुखर रहता तो निश्चित रूप से आज वो पुल 1 साल पहले चालू हो जाता। लेकिन यहाँ तो है बस नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कितना दिन खेपिएगा। अगर इसी चेहरा को इस बार भी दिया गया तो निश्चित रूप से देवीलाल जैसा चेहरा निर्दलीय भी चुनाव जीत के आएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अपने पार्टी के सांसद पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ी बात क्या है, ये जग जाहिर है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये अपने वादे में, मैं अपने प्रचार में ये बात को बोलता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार की
जो उपलब्धि है, जो कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में वो कार्यक्रम चलाते हैं।